नमस्कार, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हमारे खास मेहमान हैं वजाहत हबीबुल्ला साहब। ये माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं और कश्मीर में एक लंबे अरसे तक प्रशासनिक पद पर भी रहे और कश्मीर की आंतरिक समस्याओं को निपटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते भी रहे। आज हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कश्मीर के बारे में, कश्मीर की अंदरूनी समस्या के बारे में और भारत पाकिस्तान रिश्तों के बारे में। वजाहत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये बात जानना चाहते हैं आपसे कि इस समय पाकिस्तान में नई सरकार बनी है, आप कश्मीर में एक लंबे अरसे तक जुड़े रहे हैं कश्मीर के प्रशासन से, कश्मीर की हालात को ठीक करने के लिए अलग अलग भूमिकाओं में आप रहे हैं, आप किस रूप में देख रहे हैं जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान का और उसका कितना असर पड़ेगा कश्मीर की समस्या और भारत पाकिस्तान के जो आपसी रिश्ते हैं उसको बेहतर बनाने में? ये तो कुछ आशाजनक बात है कि जो नई सरकार वहां आई है वो लोकतंत्र के जरिए ही आई है। ये पहली दफा है जो एक लोकतंत्र से ही एक तबादला हुआ है, कभी इस प्रकार से पाकिस्तान में हुआ ही नहीं है, तो ये अच्छी बातें हैं। और उनके पास अब एक संविधान है जो थोड़ा सा शक्तिशाली है, उसमें जो उन्होंने अभी उसमें संशोधन किया है हाल में, 18वां शायद संशोधन था, जिससे उन्होंने जो सिविल अथॉरिटी है उसको ज्यादा शक्तिशाली बनाई है और जो पहले सेना के अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं उनमें थोड़ी कमी लाई है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें आशा दिलाती हैं कि आगे जाके लोकतांत्रिक सीमाओं के तहत ही हम आपस में कुछ समझौते तक आ सकते हैं और हमारा भारतवर्ष और पाकिस्तान के साथ जो संबंध है उसमें कुछ सुधार आ सके। सुधार का मतलब ये होगा कि वो शांतिपूर्वक हो और दोनों देशों में शांति के प्रचार का जो प्रयत्न है उसको थोड़ा सा शक्तिशाली करें। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुख्य मुद्दा है वो कश्मीर है और पाकिस्तान लगातार इस बात को कहता रहा है कि अगर दोनों मुल्कों में अमन चैन कायम करना है, बॉर्डर पर अमन चैन कायम करना है, तो कश्मीर की समस्या को बिना निपटाए, बिना उसका समाधान खोजे न तो बॉर्डर पर अमन बहाली हो सकती है न दोनों मुल्कों के आपसी रिश्ते में बेहतरी आ सकती है। दोनों देश ये कहते हैं कि जहां तक कि कश्मीर की समस्या है वे एक समस्या है वहां की जनता की। पाकिस्तान कहता रहा है पहले कि क्योंकि ये मुसलमान आबादी थी ज्यादातर और खासतौर से वादी कश्मीर में, इसको होना चाहिए था पाकिस्तान का भाग। भारतवर्ष कहता रहा है कि नहीं, भारतवर्ष में सब यहाँ के नागरिक हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तो इसीलिए ये एक वजह नहीं हो सकती है कि देश हमारा बंटवारे के साथ साथ जैसे और देश का बंटवारा हो गया। कश्मीर ने स्वीकार किया था कि वह भारतवर्ष का भाग होना चाहता। मेरे विचार में अगर लोकतंत्र वास्तविक रूप में हम दोनों पाकिस्तान और भारतवर्ष दोनों मिलके इसका प्रयत्न करें कश्मीर के अंदर, लोकतंत्र में कमी बेशी इसलिए हुई है कि हमारा झगड़ा हुआ है और सुरक्षा देश की सुरक्षा की वजह से हमें भी और उनको भी वहां कुछ ऐसे कदम उठाने पड़े जिसके नतीजे में जो लोकतांत्रिक आजादी है, आजादी का शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, आजादी है, उसमें कमी अनिवार्य हो गई थी। अगर इस बारे में हम दोनों समझौते पे आके आपस में मुदाखलत करने की कोशिश ना करें और इसमें मेरे विचार में आरोप हमारे ऊपर इतना अधिक लग नहीं सकता है, किंतु ये एक बहस की बात है, लोग बहस कर सकते हैं, किंतु मेरा विचार है कि अगर हम इसमें आपस में समझौता कर लें कि लोगों को हम लोकतांत्रिक प्रकार से अपनी प्रगति करने की आजादी दें, तो मेरे विचार में
ये मसला, ये समस्या हल हो सकती है। आपका मतलब लोकतंत्र से क्या ये है कि जो कश्मीर भारत के हिस्से में है या भारत के पास है, वहां के लोगों को भी एक डेमोक्रेटिक आजादी दिया जाए कि वो अपनी अपनी राय शुमारी कर सकें कि वे क्या चाहते हैं? राय की बात नहीं है, उनको वो सारे जो लोकतंत्र, जो लोकतांत्रिक आजादियां हैं जो बाकी हिंदुस्तान में है, और इसमें हम ज्यादा शक्तिशाली हैं क्योंकि भारतवर्ष में 65 वर्ष से हमारे यहां लोकतंत्र रहा है। लोकतंत्र केवल कुछ हिस्सों के लिए नहीं, केवल हर हिस्से के लिए, और जैसे मैंने आपसे पहले कहा, पूरी तरह से कश्मीर में वो लोकतंत्र हावी नहीं हो पाया क्योंकि वहां ये झगड़ा चलता रहा और हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हो गया कि लोकतांत्रिक जो आजादियां हैं उसमें उनको कुछ सीमित रखने की आवश्यकता रही। और अगर वे आक्रमणकारी जो कारकर्दगी थी वे नहीं रहे तो वहां संपूर्णतया लोकतंत्र आ सकता है, और अगर संपूर्णतया लोकतंत्र आए हमारे भाग में भी और पाकिस्तान के भी भाग में, तो फिर मेरे ख्याल में झगड़े का जो बायस है, झगड़े की जो न्यू है वही चली जाएगी। वजाहत साहब, आपका मतलब ये तो नहीं है कि आप मानते हैं कि जो कश्मीर में दहशतगर्दी इस समय चल रही है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, जिसके वजह से वहां की जो सिविल राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं? क्या कहने की आवश्यकता है, ये तो जो जो स्पष्ट है बात, हाँ वहां हुई है, वहां झगड़े हुए हैं, लेकिन वे हम हल कर सकते थे संवैधानिक प्रकार से, लोकतांत्रिक प्रकार से, अगर उनका साथ वहां की ISI और वहां की सेना ने इस प्रकार का नहीं किया होता कि वो हम ये रास्ता अपना ही नहीं सकते थे, लेकिन अब हम अपना सकते हैं, ये हो सकता है, अब ये मुमकिन हो गया है। आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ का साहब को इतना मैंडेट रहेगा, इतनी आजादी रहेगी कि वो ISI को दरकिनार करके और दोनों मुल्कों के बीच एक अमन की ISI को दरकिनार करने की भी बात नहीं है, ISI के किस प्रकार से वहां की सरकार उसका प्रयोग करती है उस पे मुबनी है ये बात, उसको दरकिनार करें दरकिनार ना करें, क्या करना चाहते हैं, उसको एक ऐसा विभाग बना दे कि वो शांति का रास्ता अपना ले, वो तो एक विभाग है, ISI तो एक विभाग है पाकिस्तान सरकार का, हमारे पास भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, क्या वो सरकार में इस प्रकार से दखल देते हैं? नहीं, उतना ही दखल देते हैं जितना सरकार चाहती है, और अब सिविल अथॉरिटी का दोबारा वहां स्थापित होने के नतीजे में उम्मीद हम कर सकते, हो सकता कि ऐसे ना हो किंतु आशा तो हम कर सकते हैं, और सिविल अथॉरिटी में हम आशा रख सकते हैं क्योंकि इन्होंने स्वयं कहा है, नवाज शरीफ साहब जो अब वजीर आजम है वहां के, उन्होंने स्वयं कहा है कि उन्होंने प्रायोरिटी दी है इस चीज के कि भारतवर्ष के साथ जो उनके संबंध है उनको मजबूत करना। केंद्रीय गृह मंत्री शिंदे साहब का एक बयान आया कि जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें कहीं ना कहीं ISI का हाथ है, तो तुरंत वहां से खंडन आ गया और वहां की सरकार ने बाकायदे अधिकृत बयान जारी करके कहा है कि ऐसा नहीं है और ISI भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं कर रही है। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या झगड़ा है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी बातें हैं, आपस में बातचीत करने से संबंध के बारे में ये है कि हम उनको कहेंगे कि ये हमारे पास सबूत है ISI ने ये किया है, आप कहेंगे नहीं ISI का ये काम नहीं है, किसी और का काम है, जिसने ये किया है उसको हम जवाबदेह बनाएंगे और जो आपने हमें सबूत दिया है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। बार बार हमने सबूत दिया है पहले भी पाकिस्तान को कई विषयों पर, उन्होंने उस पर कार्रवाई की नहीं, उन्होंने उसको रद्द कर दिया, वो ना हो ये अब हमें उम्मीद हो सकती है क्योंकि अब सिविक हमें ये आशा है कि जो सिविल जो अथॉरिटी है अब वह सर्वोच्च हो गई है, ये आशा है, हो सकता कि ऐसा नहीं हो जैसे मैंने कहा कि हम आशा तो ये रखते हैं।
के बाद आपका फिर स्वागत है। और वजाहत साहब, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि कश्मीर के जो अंदरूनी हालात हैं, ठीक है उसमें आईएसआई का रोल है, पाकिस्तानी हुकूमत का रोल है, लेकिन जो काम हमारी सरकार को करना चाहिए, जो काम हम सबको करना चाहिए वहां अमन चैन कायम करने के लिए, उस फ्रंट पर भी उस संजीदगी से और उस ईमानदारी से काम होता दिखाई नहीं दे रहा। और शायद यही कारण है कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी बार बार कहते हैं कि जो वहां सुरक्षा बल हैं, जो अफसा है उसको हटाया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि लोकतंत्र वास्तविक रूप में उसके कुछ झलकियां कश्मीर में आपको अवश्य नजर आ रही हैं। अब काफी समय के बाद आप देखते हैं कि चुनाव होते हैं, चुनाव हुए हैं वहां की असेंबली के लिए, चुनाव हुए हैं वहां की म्यूनिसपैलिटीज के लिए, चुनाव हुए हैं वहां के पंचायतों के लिए। आपने स्वयं देखा कि लोगों में ये इच्छा है कि ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं ये काम करें, ये बॉडीज काम करें, इसलिए वो बड़ी तादाद में आते हैं वोट डालने के लिए। लेकिन बार बार उनको निराश होना पड़ता है कि जैसे हमने उम्मीद किया, और आपको पता है कि जो पंचायत हैं वो इस प्रकार से तो काम कर नहीं रही है, ना ही उनको कुछ शक्ति है, ना ही वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बने हैं जैसे उम्मीद थी, आशा थी कि दे विल बिकम गांव में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट हो जाए, वो नहीं बने। तो ये लोगों को निराश करती है और ये काफी खतरनाक बात है, क्योंकि अगर लोगों को लोकतंत्र में ही आशा ना रहे तो फिर ये एक बात है कि फिर उनको देश में भी आशा नहीं रहेगी। देश की सबसे बड़ी शक्ति है हमारे देश की कि हम लोकतंत्र हैं, किंतु यह लोकतंत्र की खूबियां जो कि बाकी हम सब ने चखी हैं, देखी हैं, वे कश्मीरियों ने उनकी सिर्फ झलकियां देखी। बस वही उसी पॉइंट पर हम आना चाह रहे हैं कि आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही, आपने कोई किताब भी लिखी है इस तरह की चीजों की, आप जब वहां की समस्या से रूबरू हो रहे थे तब भी आपने कोशिश की थी, वहां पर एक इलेक्टेड सरकार है, राज्य सरकार है, तो वहां के मुख्यमंत्री को क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत हो रही है कि पावर टू द पीपुल ट्रांसफर करने में या पंचायतों को अधिकार देने में डिवोल्यूशन ऑफ पावर क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके लिए केंद्र सरकार कहां बीच में आड़े आ रही है? जैसे उन्होंने खुद कहा है कि वहां अगर सेना की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है, अगर पुलिस की बड़ी भारी आवश्यकता है, तो पूरा लोकतंत्र नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। और वो क्यों अनिवार्य है, मैंने आपको बताया, अनिवार्य ये इसलिए था क्योंकि उसमें दखल थी, उसमें आक्रमण था। सुरक्षा देश की संपूर्ण है और सर्वोच्च है, उसको रखना है। अगर आप उसको रखेंगे तो पूरी तरह से वास्तविक रूप से आप नहीं दे पाएंगे। काफी उसमें प्रगति हुई है, जैसे पिकेट्स वगैरह काफी हटाई गई हैं, लेकिन जिस प्रकार से संपूर्णतया शांति आने की आवश्यकता थी वह नहीं है, और इसलिए ये सारी चीजें हैं। अच्छा, AFSPA के हटाने के लिए वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, फिर भी नहीं हट रहा है, और उसकी वजह भी है, क्योंकि मेरे विचार में भी, मैंने लिखा भी इसके बारे में, कि अगर आप AFSPA को हटाना चाहते हैं तो फिर आप जिस प्रकार से सेना को वहां उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो नहीं, उसको आप प्रयोग कर नहीं सकते। लेकिन उसका प्रयोग किस लिए अनिवार्य है, क्योंकि देश की सुरक्षा। अगर आप इस प्रकार के लिए संतुष्ट हो जाए कि नहीं, देश को आक्रमण का भय अब नहीं रहा है, तो वो कब आएगा? पाकिस्तान के बाद से बात करने के बाद। आप समझ सकते कि सारे मामले इंटरलिंक्ड हैं और अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी पाकिस्तान की है। हाँ, इसलिए इलेक्टेड गवर्नमेंट, इसलिए मैंने कहा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट सिर्फ एक झलकी है। फिर जो 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 प्रशासन है, क्या वह पूरी तरह से लोकतांत्रिक है? क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि आपने इलेक्शन में भाग ले लिया तो लोकतंत्र हो गया। आखिर सद्दाम हुसैन के जमाने में भी 90% लोग भाग लेते थे इलेक्शन में, तो क्या वो लोकतंत्र था? नहीं था। तो इसी प्रकार तो जहनी तौर पर डेमोक्रेटिक होना जरूरी, लोकतांत्रिक प्रकार से प्रशासन को चलाने की आवश्यकता। उसके लिए सारे पुर्जे हमारे पास हैं, RTI है, पंचायती राज है, सब कुछ है,
किंतु ये चल नहीं रहे जैसे चलने चाहिए, इसलिए कि आपको लगता है कि उमर साहब की जो सरकार है लोकतांत्रिक तरीके से नहीं काम कर रही है? नहीं, वहां कोई सरकार अभी कर नहीं पा रही, नहीं वो मांग भी रहे हैं कि वो लोकतांत्रिक प्रकार से किस तरह से चला सकते हैं, वही तो उनकी मांग है, किंतु वो पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि ये वजह है। अच्छा, वहां जो एक डेलीगेशन भारत सरकार ने बनाया है, एक ग्रुप कमेटी बनाई है जो कि वार्ता करती है जो कश्मीर में सेपरेटिस्ट फोर्सेज हैं उनसे, बाकी अलग अलग संस्थाओं से, उनका क्या रोल है? आप उससे काफी करीबी से जुड़े हुए हैं। वो तो बनाया गया था, वो तो हो गया है। हाँ, इंटरलोक्यूटर्स जिनको कहा जाता था, वे सेपरेटिस्ट से बात कर ही नहीं पाए, और अगर एक दो से उन्होंने किया भी, एक वहां मौलाना शौकत थे जो अहले हदीस के हेड थे, और वो कोशिश कर रहे थे कि अहले हदीस और धर्म को इस जो राजनीतिक जो जो मार्ग है उससे हटा के केवल वो धार्मिक मार्ग पे ले आए, और उनको आप पता है उन्हें जाके उनसे मुलाकात की, और फिर हमने पता किया कि पता चला कि उनका तो उनका देहांत ही हो गया, उनके ऊपर आक्रमण हो गया, उनको मार ही डाला, तो इस प्रकार की चीजें हुई हैं, तो वो उन्होंने इनसे बात की नहीं है। बातचीत वैसे करने की आवश्यकता भी मेरे विचार में, वैसे वो संसद ने मांगा था, तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि गलत है, क्योंकि इस वातावरण में वो बात आवश्यक थी, किंतु मैं जिस वातावरण की बात कर रहा हूं, जिसकी आशा है मुझे, उसमें बातचीत करने की क्या आवश्यकता होगी? वहां होंगे लोग अपने ही सरकार को चुनाव में लाएंगे, वो सरकार जवाबदेह होगी, सरकार उसमें पंचायत होंगे, सब होंगे, जब वो हटाना चाहती है उस सरकार को हटाएंगे उस सरकार को, जब वो चलाना जो काम उस अपनी सरकार से चलाना चाहती है वो करवाएंगे उसे, जैसे और राज्यों में है इस वक्त, लेकिन उधर नहीं है, वे है वास्तविक लोकतंत्र। वजाद साहब, आप माइनॉरिटी कमीशन के सदर भी हैं, चेयरमैन हैं, अगर हम बात करें देश के बाकी राज्यों में जो अल्पसंख्यक समाज रहता है, वो कश्मीर के अल्पसंख्यक समाज, तो उनके सोशियो इकोनॉमिक जो स्थिति है उसमें कितनी आप समानता और विषमता पाते हैं? अच्छा, कश्मीर का जो क्योंकि समस्या है, आप उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें एक विशेष तौर पे, क्योंकि वहां जो जैसे आप जानते हैं, वहां तो अक्सरियत तो है मुसलमानों की, और बाकी देश में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, और वहां सबसे जो इस ये पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी अल्पसंख्यक का हुआ, वो जाहिर है कि कश्मीरी पंडित हैं, जिनको वहां से छोड़ के निकलना पड़ा, वादी से खास तौर से। वैसे अभी से राज्य में तो कश्मीरी पंडित काफी हैं, किंतु ज्यादातर वो अब जम्मू में बसते हैं, वो जाना चाहते हैं, उनमें आस है, खासतौर से वो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुढ़े हैं, नौजवान तो अब चाहते हैं कि जहां भी उनका जीवन बने तो वो वहां जाएं और बनाएं, जैसे भारतवर्ष में सारे हर जगह ऐसी सोच है, किंतु जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जिनने जिंदगी वहां गुजारी है, वो चाहते हैं कि वो वापस जाके शांतिपूर्वक रह सके। मैं ये कह सकता हूं कि जो कश्मीरी पंडित वहां हैं, और वहां हैं अभी कुछ 3,000 से भी कम आबादी, कोई 700 परिवार हैं जो अभी कश्मीर के अंदर बसे हुए हैं, वे एक शांतिपूर्ण जीवन अवश्य गुजार रहे हैं, अब उनको कोई ऐसा खतरा नहीं है जो एक जमाने में था, किंतु अभी जो लोग वहां से या बाहर हैं उनको बहुत ही शक है, उनको वो अभी तक काफी भयभीत हैं, उनको वो तसल्ली नहीं मिली है, वो इतने संतुष्ट नहीं है कि वो सोच सकते हैं कि हम वापस जा सकते हैं, तो ये सारे काम करने के लिए एक 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 अल्पसंख्यक आयोग बहुत आवश्यक है। अल्पसंख्यक आयोग हमने दो निर्णय दिए हैं, हमने दो सुझाव दिए हैं, दो सुझाव दिए हैं, एक तो कि जो ये केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, इसका जो सेक्शन है वहां भी जम्मू कश्मीर में भी बढ़ाया जाए, और वो एक अल्पसंख्यक आयोग अपना बनाए, ताकि वहां जो अल्पसंख्यक हैं, वहां कश्मीरी पंडित हैं, सिख हैं, काफी आबादी है सिखों की, बौद्ध है, लेह में काफी आबादी है बौद्ध की, तो उनको अल्पसंख्यक करार देते हुए उनकी सुरक्षा और उनकी सेवा वो कर सकती है जो राज्य के अल्पसंख्यक आयोग है, और राष्ट्र तौर पे जो, और हम जानते हैं
वहां के मुख्यमंत्री ने बार बार ये कहा भी है कि जो वहां के बच्चे आते हैं कश्मीर के मुसलमान बच्चे बाकी हिंदुस्तान में जाते हैं अक्सर उनको पकड़ लिया जाता है कि आतंकवादी हैं या उनको घर नहीं मिलता है या बहुत सारे या एडमिशन नहीं मिलते हैं कॉलेजेस वगैरह में। तो ये काम करने के लिए इसमें सुविधा लाने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग काफी फैसिलिटेटर के रूप में काम हो सकता है।